बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नई इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये देख सकते हैं जी आप, ये स्टेरिन है ना, ये देखें, ये काफ़ी मैल मिट्टी जमी हुई है, तो आज इसकी थोड़ी सी सफाई करते हैं। वो मैं आपको वीडियो में दिखाना चाहता हूँ कि ये किस तरह सफाई मैं कर रहा हूँ इसकी। ये आप देख सकते हैं, ये एक ब्रश लिया है, ख़राब सा ब्रश जो होता है, एक्सपायर हुआ, मतलब एक जो आपके इस्तेमाल में नहीं है, घरेलू ब्रश लिया है दांतों वाला। उसके बाद सरफ, थोड़ा सा पानी। चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बैल को मैं पीछे सीट के साथ ये रखने लगा हूँ। चलो जी मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। एक कपड़ा साथ रख लेना, साफ करते रहना, साथ इसको साथ इसको कपड़ा मार के ताकि पानी मिट्टी गाड़ी के स्टेरिंग के अंदर ना चली जाए। दांत वाला ब्रश इसलिए लिया है, ये छोटी छोटी जगह में ना आराम से सफाई करेगा, आराम से चला जाता है, बाकी जो है ना इसमें काम कोई चीज़ सही तरह नहीं काम करेगी जिस तरह ये ब्रश काम करेगा। ये छोटे छोटे इसके जो बाल होते रहिए जरा, ये आराम से देखना, ये कुछों में बरीकी में आराम से सफाई हो जाती है। इसका मेन मकसद ये है, अगर आपके पास कोई और ब्रश है इस तरह का तो वो भी आप ले सकते हैं। कपड़े को अच्छी तरह धो के पानी के साथ साफ करके एक बार इसको गीला कपड़ा मार लें। यहाँ पे सरफ है ना, सरफ और पानी के छट्टे पड़े हुए हैं, साफ करने की वजह से ना पानी के छोटे छोटे कतरे इधर पड़े हुए, इसको अच्छी तरह कपड़ा मार के साफ कर लेना, नहीं तो निशान नजर आएंगे सरफ वाले ना। ठीक है, अभी मैं आपको इसका दिखाता हूँ कि ये किस तरह साफ हुआ है।
ये देखें जी माशाल्लाह ये कितना साफ़ हो गया। इसमें पहले मिट्टी थी, कचरा था, ये डिस्प्ले नज़र ही नहीं आ रहा था, जो अभी नज़र आ रहा है ना, ये डिस्प्ले ट्रिप, ये आयरन का निशान, टेम्परेचर, मोड, वॉल्यूम, ये सारा ये अभी नज़र आ रहा है। माशाल्लाह ये साफ़ हो गया। आप इसको इसी तरह या कपड़े के साथ साफ़ कर सकते हैं, बाकी अगर आप ब्रश के साथ साफ़ करेंगे, छोटा सा ब्रश हो, उसका ये फ़ायदा होता है कि ये बारीकी वाली मिट्टी होती है ना कोनों में, इधर कुचों में, ये सारी निकल जाती है। ये माशाल्लाह ये देखें कितना साफ़ हो गया। स्टेडियम की सफाई हो गई थी, उसके बाद मैंने ये बैक साइड का दरवाज़ा है तो ये एक तो मैंने कर लिया था, ये वाला उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। चलो मैंने कहा इसकी आपको वीडियो बना कर दिखाता हूँ। ये ना इधर मैल लगी हुई है, मिट्टी और मैल लगी हुई है, ये क्योंकि ये डेली तो सफाई होती रहती है, लेकिन जो जनरल सफाई है ना ये डेली नहीं हो सकती, ये जब टाइम मिले तो ये आप कर सकते हैं। ये देखें ना ये मैल उतर रही है। ये अभी हम डेली साफ़ करते हैं, कुछ बचत हुई हुई है इसमें, शीशे भी नहीं खोलते ज़्यादा देर, एसी वगैरह चलाते हैं तो इस वजह से ना मिट्टी इधर कम ही आती है। आज कुछ धूप भी निकली हुई है, इस वजह से ना गाड़ी थोड़ी सी गर्म हो रही है अंदर से, और ये जल्दी सूख भी रहा है, तो मेरी कोशिश है कि मैं जल्दी जल्दी इसको साफ करके ना फटाफट कपड़ा मारूं ताकि ये ज़्यादा देर सर्फ लगा रहा ना सूख जाएगा, निशान पड़ते हैं। ये देखो ये आपको नज़र आ रही है, ये मैल है, ये मैल इसमें नज़र आ रही है, ये मिट्टी और मैल है। ये इसी तरह ही सारे तकरीबन दरवाज़े ये करेंगे आज हम इंशाल्लाह। जो थोड़ी सी मैल है ये भी उतर जाएगी और ये माशाल्लाह साफ़ नज़र आएंगे। ये अभी मैंने हल्का कपड़ा मारा है गीला, इसको धो के दोबारा फिर एक दफ़ा इसको मारना है, ये माशाल्लाह साफ़ हो जाएंगे। अभी हम ये देख लें, धूप की वजह से कम नज़र आ रहा है, ये देखें ये भी मैंने थोड़ा सा गीला कपड़ा इसको मारा है, एक दफ़ा धो के इंशाल्लाह दोबारा फिर मारूंगा तो ये माशाल्लाह काफ़ी साफ़ नज़र अभी आ रहे हैं, ये कपड़ा मारने के बाद काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। ठीक है जी, अभी चलते हैं फ्रंट साइड पर, इनको भी थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। इसी तरह ही बारी बारी सारे कंप्लीट करने हैं तो मैं फिर आपको मिलता हूँ, ये कंप्लीट करके फिर आपको वीडियो दिखाता हूँ इसमें किस तरह ये होते हैं। ये जी माशाल्लाह मैंने सारे दरवाज़े कर लिए, ये देखें काफ़ी बेहतर हो गए हैं। और ये देखें माशाल्लाह जी स्टेरिंग काफ़ी साफ़ हो गया, काफ़ी जगह साफ़ हो गई है जो मैंने की है, कुछ की मैंने वीडियो बनाई है क्योंकि कैमरा मोबाइल रखने की जगह कोई ख़ास नहीं थी तो सीट पे रख के मैंने वीडियो बनाई है, वो फिर इस तरह की गाड़ी जब हिलती है ना तो वो मोबाइल गिर सकता है, क्योंकि वो जगह इतनी कोई ख़ास नहीं थी, हल्का सा ऐसे फंसा के मोबाइल को फिर मैंने वीडियो बनाई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।